हम लोग आज डिस्कस कॉन्टेक्ट बॉडीज मोशन के बारे में, जैसे बात करें यहाँ पे इसकी कोई प्रॉब्लम है, दो बॉडीज जो हैं एक रस्सी के थ्रू बंधी हुई हैं और पुलिस बात को आप तो हम चलेंगे और वेटलेस मान के चलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे पास रस्सी है राइट ना, स्ट्रिंग है, इसको भी इनएक्सटेंसिबल और वेटलेस मान के चलेंगे ताकि हमारे यहाँ और इफेक्ट जो है वेट ना, राइट ना, चलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप की कंडीशन हो, टाइप की कंडीशन एक्सेलरेशन देता है यहाँ पर टेंशन इन द वायर पूछ ले, ठीक है। ठीक देखिएगा, अगर बेटा हम इसको ठीक है हम क्या करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम लगा देते हैं, ठीक है। देखो अगर हम ध्यान दें, बॉडी एम टू इज ग्रेटर देन एम वन है, बॉडी किधर जाएगी सर, जुड़ जाएगी, दैट्स व्हाई यहाँ पर इक्वेशन ठीक है। कितना वेट है सर एम टू जी एम टू जी माइनस ऊपर की ओर क्या लगेगा बेटा का फ्री वर्ड डायग्राम पे वर्क करेंगे, ठीक है। नीचे की ओर ले जाने वाला फोर्स एम टू जी ऊपर की ओर माइनस टी, और बेटा एक्सेलरेशन कितना है एक, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा एम टू ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला इधर वाले में अगर हम डायग्राम के वर्क करें तो ये बॉड हो जाएगी टी माइनस एम वन जी, एम इन डी होगा टी माइनस वन जी, ठीक। दोनों को बेटा ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर ये होगा इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस क्लियर है, यही निकलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया सर, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमसे पूछ ले सर होगा इसमें अगर लेंगे तो ठीक, तो हमारे ए की वैल्यू आई है वो किसन वन या टू में रख देते हैं, पुट अप कर देते हैं, ठीक है। आपको निकले कौन क्लियर है ठीक, आप ध्यान रखेंगे। अब अगर यहाँ पर अगर ये वर्टिकल कंडीशन, अगर ये वर्टिकल कंडीशन में होकर अगर हमें इस टाइप का एज बनाकर दे दिया जाता, फिर किया जाता है ये थीटा डिग्री, ये भी थीटा करें और वो बॉडी जो है एम वन और एम टू मास का अब इस केस में क्या होगा, केस में भी वही प्रॉब्लम है, ठीक है। बस है गैस पर चला गया, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम डायरेक्टली एम टू एम वन जी का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड मेंबर में जो यहाँ पर वेट मेंबर होगा उसका इधर की ओर वन साइन थीटा तरफ एक कंपोनेंट का फोर्स लगता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या, ग्रेटर देन स्वाभाविक है इधर की ओर बॉडी जाएंगे, राइट ना, दोनों एक्सेलरेशन और इसमें की है, इसमें हमारे पास देखिएगा यहाँ पर क्या था माइनस एम प्लस एम टू, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ एंगल ही तो है और एंगल दोनों साइड में क्या है सेम है, साइड में एंगल सेम टू माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा सर साइन थीटा, तो जी साइन थीटा बढ़ जाएगा जाएगा बेटा प्लस माइन, क्लियर, ठीक है। अगर बेटा हम टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन में भी सेम कंडीशन जनरेट हो जाएगी, अब कर देंगे और निकाल लेंगे प्रॉब्लम देख, क्या हुआ है
बस तो ये इस में जो मोशन आप उस केस में जो आएगा वो कितना निकलेगा, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है सर, एन टू माइनस एम वन आ जाएगा 20, एम वन प्लस एम कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, एम वन प्लस एम टू कितना आ जाएगा बेटा 80, तो जी का वैल्यू अगर 10 है हो तो जाएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा 4.5 और क्लियर। और अगर बेटा यहाँ पे मुझे में कहीं टू वन हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा बेटा टू यही होगा कर सकते हैं तो इसका वैल्यू कर सकते हैं, पॉइंट क्लियर है ठीक। अब बेटा अगर और प्रॉब्लम से हाँ थर्टी और 20, 40 kg की दो बॉडीज है ठीक है, थ्रू हाँ मोशन कर रही है तो इस देखिएगा कल के देखिएगा एक बार वही कंडीशन लगेगी सब कुछ वही है क्या होगा सर केजिकल माइनस टू थीटा अपॉन वन प्लस एम देख लीजिएगा 40 माइनस 30 कितना रहेगा 10 10 30 कितना होगा बेटा 1/2 डिवाइडेड बाय देखो बेटा चेक कर लीजिएगा एक बार क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे देख लीजिए 2.7 मीटर पर सेकेंड आसान है चलेगा। एक और बैटरी का समय दिया टाइप से दिया है एंड एक्सेलरेशन कौन अच्छी चीज़ें पूछी ठीक है चलेगा। अगर हम ध्यान दें इसमें इसमें तो एम वन है तो सर हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो हॉरिजॉन्टल हो गया है इस केस में बेटा जो एम वन का वैल्यू जो घट रहा था वो नहीं घट पाएगा क्यों, क्योंकि सर ये एक ही साइड में खींच रहा है केवल ठीक है चलेगा। तो टेंशन हो सकता है तो ध्यान दें, अगर मैं कहूँ कि इसमें कंडीशन यही बन सकती है एन टू माइनस थ्री क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे थ्री कंडीशन क्या हम यहाँ देखिएगा एन टू थ्री एन टू एन टू है कह सकते हैं उधर ले जाकर ले लेंगे जाएगा बेटा वन प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई पॉइंट क्लियर। और अगर सेम पैटर्न से टेंशन बताएगा ए का वैल्यू जो है कर देंगे तो वन एम टू प्लस एम टू करेंगे और टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आसानी से टाइम क्लियर है ठीक है, तो आपको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे चलेगा। अब अगर हम और टाइप की प्रॉब्लम्स देखें तो अगर हम कहें कॉन्टेक्ट बॉडी प्रॉब्लम
कॉन्टेक्ट बॉडी प्रॉब्लम के बारे में, एक बॉडी ये है और बॉडी कॉन्टेक्ट में इन सरफेस स्मूथ सरफेस इसको लेके चलेंगे। इसमें बेटा हमने इस पर फोर्स लगाया है, तो मैं यहाँ पे एफ फोर्स लगाऊंगा क्या जाएगा बेटा, यहाँ पर एफ आ जाएगा 1 प्लस इसमें अब बेटा अब वन बॉडी लिख दे पहली बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है या फोर्स का जो कंपोनेंट वर्क कर रहा है, ठीक है, जितनी वैल्यू एक्ट कर रही है वो ये होगी, ठीक है। सेम पैटर्न पे बोल दिया जाए बॉडी पर एफ टू सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी अगर इसके बारे में बात करेंगे एफ टू एम टू देख लीजिए क्या आएगा एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है एफ अपॉन एफ टू बॉडी पर जो फोर्स का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है वो कितना होगा, देखिएगा एग्जांपल देख हमसे पूछा बात करते इस चीज को हम ध्यान देंगे। तो बेटा यहाँ पे अगेन हम बात करें एफ टेन पर जो टेन वैल्यू हमारे पास आ गई 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा पहली वाली बॉडी पर और आया जो फोर्स लगेगा क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बेटा टोटल फोर्स एट बॉडी आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर। बाकी का यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी सर, पर इनर्शिया की वजह से हमारा चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चलेगा। अब अगर बेटा हम बात करें आगे यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन बॉडीज कॉमन एक्सेलरेशन पॉइंट क्लियर, ठीक है। इन पैटर्न पे अगर हम बात करें यहाँ पर टी1 के बारे में अगर टेंशन टी1 कितना होगा बेटा, कहेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना
जाएगा सर राइट, फिजिकल अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम टी टू को ले रहे हैं बेटा इस मंदिर की टोटल मास जो है क्या हो जाएगा भाई, ये इसको को भी तो साथ में खींच करना है, मास होगा टोटल मास थोड़ा सा ध्यान ये वाला केस है, फिजिकल टू आ जाएगा मंथ इनटू कॉन प्लस प्लस ये चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल ले ये अब एक सरफेस पॉइंट अपॉन ठीक आ गया मेरे पास फाइव बाई ठीक आ गया कितना टेन इंटू आ जाएगा तीन पॉइंट थ्री फिजिकल टू होगा बेटा लगेगा, जब काउंट करेंगे तो इसमें बेटा एक बॉडी मान के चलना पड़ेगा ठीक है, अगर इसको एक पूरा बॉडी मान के चलेंगे तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा टी इतनी दैट्स व्हाई ये वैल्यू न्यूटन फाइन क्लियर है, आगे आसान है टाइप के कुछ आते रहते हैं बारे में तो अच्छे से हाँ देखिएगा ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे तो हैं दे रहा हूँ तो भी आप लगाइएगा ठीक है चलेगा।